जी आंटी जी, आपने बुलाया? हाँ बैठो ना। नहीं मैं बैठ नहीं सकती, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। किस बात की इमरजेंसी है तुम्हें? मुझे अरसम को पिक करने जाना है, वो मेरा वेट कर रहे हैं। अरसम मेरा बेटा है, मेरी भी उससे बात होती है, मुझे पता है कि वो मसरूफ है। बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी तुम दोनों आपस में खाला भांजी, जेठानी देवरानी भी लगती हैं, बहने भी बनके रह सकती हो मेरे घर, क्योंकि मैं तुम दोनों की सास की बजाय माँ बनने की कोशिश करती हूँ। मेरी तो पूरी कोशिश है आंटी जी, लेकिन इनको पसंद नहीं है कोई इनकी बराबरी करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसीलिए एक घर से दो बहुएं ब्याह कर लाई थी ताकि मेरे घर में सुकून और इत्मीनान रहे, मगर तुम दोनों ने तो मेरे घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं कह रही, दोनों को कह रही हूँ, किसी एक को कसूरवार नहीं ठहरा रही। ताली दोनों हाथ से बजती है। मैं ताली बजाना चाहती हूँ, ये आगे से मुझे थप्पड़ मारना चाहती है। मैंने क्या किया? उल्टा तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रही हो। प्लीज प्लीज बहस खत्म कर दो। तुम दोनों मेरी बेटियां और आपस में बहने बनकर रहो। मगर आंटी जी, अतिया खाला सब कुछ समेट लेना चाहती है। कोई कुछ नहीं समेट रहा नूर, तुम बेफिक्र हो जाओ। मैं बस अब कुछ ही दिनों में अपनी सारी जायदाद अपने दोनों बेटों के नाम कर रही हूँ। शुक्रिया आंटी जी। लेकिन अम्मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब कुछ अपने नाम पर ही रखें, प्लीज। अतिया, ये तुम्हारी मोहब्बत है बेटा, लेकिन मेरी सारी जायदाद तो तुम मेरे बच्चे हो, मेरे बेटे, मेरी बहुएं। तुम लोग खुश हो तो मैं भी खुश हूं। आंटी जी, मैं निकलती हूँ, आपके लिए कुछ ले आऊं वापसी में? कोई पार्टी वार्टी? थैंक यू। आपके लिए कुछ ले आऊं? ओके आंटी जी, खुदा हाफिज़। अरसम, तुम्हारी नूर कभी मुझसे भी मोहब्बत की दावेदार थी, मगर नूर किसी से मोहब्बत नहीं करती। वो एक खुदगर्ज लड़की, उसको सिर्फ तुम्हारी दौलत चाहिए, उसी में खुश है। बेवकूफ को लगता है कि सारी दुनिया की खुशियां खरीद सकती है वो दौलत से। एक बात याद रखना, नूर अपने आप पर किसी और को तरजीह नहीं देगी। अगर यकीन ना आए तो आजमा लेना।